से पूरे देश परेशान है और स्टूडेंट के ऊपर भी प्रेशर है कि 2021 का एग्जाम वह कैसे क्वालिफाई करेंगे क्योंकि उनकी सिलेबस पूरा नहीं होगी। इसलिए पैरामाउंट साइंस सेंटर स्कूल ने ऑनलाइन क्लास शुरू किया है वैसे स्टूडेंट के लिए जो 2021 में इंटर के एग्जाम देने वाले हैं। आप लोग को बता दें कि यहां से हम आज क्लास 12 में जेनेटिक्स चैप्टर पर स्टार्ट कर रहे हैं जो हिंदी मीडियम क्लास का है। वैसे बच्चे के लिए जो हिंदी मीडियम क्लास करते हैं उनके लिए क्लास 12 में हम जेनेटिक्स स्टार्ट किए हैं। आज जेनेटिक्स का फर्स्ट क्लास है, इसके बाद और क्लास बनेगा। जेनेटिक्स क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। जेनेटिक्स जो है वो जीन शब्द से, जेनेटिक्स जीन शब्द से निकला है, ठीक है। जेनेटिक्स जो है वो जीन शब्द से निकला है और आगे हम जीन का परिभाषा पढ़े हैं कि यह एक विशेष लक्षण का मूलभूत इकाई है, यानी कि जीन विशेष लक्षण के लिए जेनेटिक्स का मूलभूत इकाई है। यानी कि जीन जो होता है यही है कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, अपने पेरेंट्स के लक्षण को उसके जनरेशन में उत्पन्न करता है, जीन के कारण ऐसा होता है। और ये पूरी अध्ययन को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम पूरे पहले लिखे हुए हैं इसलिए ताकि मेरा वीडियो बहुत लंबा ना हो और पहले हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है, ताकि इसको समझा सके, ठीक है। ऐसे हम लिखते रहते और ये करते रहते तो बहुत वीडियो लंबा हो जाता। जेनेटिक्स का परिभाषा हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। माता पिता तथा संतान के समान या असमान गुणों का अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है। यानी कि माता पिता के जो संतान हैं, चाहे वो प्लांट्स में हो या एनिमल्स में हो, माता पिता के जो संतान है वे माता पिता से उनके अंदर कौन सी लक्षण आई है कौन सी लक्षण नहीं आई है इसी के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। और इसी के बारे में जानना जेनेटिक्स कहलाता है। जेनेटिक्स जो है इसके बारे में सबसे पहले ग्रेगर जोहान मेंडल ने बताया, ठीक है। आप लोग ग्रेगर जोहान मेंडल का नाम सुने होंगे। इसके बारे में सर्वप्रथम ग्रेगर जोहान मेंडल ने बताया और इन्होंने इसे मटर के पौधा पर कठिन परिश्रम कर प्रयोग किया और प्रयोग करके बताया जेनेटिक्स के बारे में। अब जे.जे. मेंडल के बारे में हम लोग जानेंगे कि जे.जे. मेंडल कौन थे और मेंडल के मेंडलिज्म के बारे में भी जानेंगे, ठीक है, जिसके लिए हम नेक्स्ट क्लास बनाएंगे। जे.जे. मेंडल और इन्होंने पी प्लांट का भी चयन क्यों किया, इसके बाद इन्होंने पी प्लांट का चयन किया तो उसमें कैसे कैसे क्रॉस कराए, उनके क्रॉस के बारे में जानेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस आदि कराए थे। तो ग्रेगर जोहान मेंडल के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। ऐसे जान जाए कि ग्रेगर जोहान मेंडल को ही जेनेटिक्स के पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से हर बार एग्जाम में पूछता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जे.जे. मेंडल को कहा गया है, ठीक है, ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स सिलेबस को, अभी आगे रोकते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। जे.जे. मेंडल ने जब मटर के पौधा का चयन किया और जब उस पर क्रॉस कराना शुरू किया तब उस समय उनके लिए बहुत से शब्द प्रयोग में लाया गया, बहुत सारे शब्द के वे प्रयोग किए जिसका ये जेनेटिक्स में बार बार रिपीट हुआ है, जेनेटिक्स में बार बार उसको रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो वो शब्द क्या है, कौन कौन से शब्द है, ठीक है, उन शब्दों को टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स कहा गया, यानी कि जेनेटिक्स में बार बार आने वाले शब्द टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, अर्थात डिफिनेशन ऑफ सम टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, डिफिनेशन ऑफ सम टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल के प्रयोग में प्रयुक्त होने वाली कुछ तकनीकी परिभाषा,
कौन कौन सी परिभाषा दिए थे, कुछ परिभाषा को हम लिखे हैं। सबसे पहले हम लोग जाने शुरू में कि जीन सबसे ही जेनेटिक्स निकला है, यानी जीन, जीन क्या है? जीन विशेष लक्षण के लिए जेनेटिक्स का मूलभूत इकाई है। यानी कि जीन जो है वह एक इतना छोटा स्ट्रक्चर है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। ठीक है, आगे जीन के बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल्स। इसके बाद हेरिडिटी, जिसको अनुवांशिकता कहा जाता है। हालांकि जेनेटिक्स का हिंदी अनुवांशिकी होता है और हेरिडिटी इसे अनुवांशिकता कहा जाता है। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी जो होता है कि जनरेशन में पेरेंट्स यानी पैतृक के टर्मिनेशन यानी संचरण को हेरिडिटी कहा जाता है। ठीक है, जनरेशन में पैतृक, यहां पे कुछ छूट चुका है उसको हम लिख लेते हैं, पैतृक लक्षण, जनरेशन में पैतृक लक्षण के टर्मिनेशन को हेरिडिटी कहा जाता है। यानी कि वैसी लक्षण जो उनके माता पिता से आते, ठीक है, और बच्चे में स्पष्ट दिखता हो उसे हेरिडिटी कहा जाता है। इसको समानता भी कह सकते हैं, ठीक है, या अनुवांशिकता भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि जनरेशन में उनके पेरेंट्स से जो लक्षण प्रकट हुआ है और स्पष्ट दिखाई दे रहा हो उसे हम लोग हेरिडिटी कहा जाता है करते हैं। वेरिएशन, विविधता, इसी का जस्ट उल्टा रूप है विविधता। हेरिडिटी मतलब वो समान लक्षण को देखने को मिलता है और इसमें वो लक्षण नहीं देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, वेरिएशन में जनरेशन के उसके पैतृक लक्षण से कुछ ना कुछ अंतर मिलता हो उसे वेरिएशन कहा जाता है। यानी कि उनके माता पिता से उनके संतान में कुछ अलग हटकर लक्षण प्रकट होता हो उसे वेरिएशन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए पिता अगर काले हैं तो उनके संतान जो है वह काला ना होकर कुछ अलग लक्षण प्रकट करता है, गोरा हो जाता है, ठीक है, तो अपने पिता के लक्षण को प्रकट नहीं कर पाया तो उसमें क्या हो गया, वेरिएशन हो गया, उसकी विविधता हो गया, यानी पिता से वह अलग हो गया। अभी हम लोग वेरिएशन जाने। इसके बाद होमोजाइगस, होमोजाइगस मतलब होता है सबयुग्मी, यानी टूए डिप्लॉयड अवस्था में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन में क्रोमोजोम्स की संख्या होता है 46, जिसमें 44 ऑटोजोम्स होते हैं और प्लस दो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, एक सेक्स या एक्स। ये दो सेक्स क्रोमोजोम्स हैं इसलिए इनको डिप्लॉयड कहा गया। अगर ये एक होते सिर्फ जैसे गैमेट बनता है तो ये एक हो जाते हैं, अगर एक होते तो उनको एन कहा जाता है, हेप्लॉयड कहा जाता है, जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 23 हो जाती है। जैसे गैमेट बनते हैं तो उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 23 हो जाते हैं, जिसमें 22 ऑटोजोम्स प्लस एक सेक्स क्रोमोसोम, एक्स या वाई होगा। तो ये हेप्लॉयड अवस्था होगा, इसके लिए हम लोग एन से निरूपित करते हैं, और ये डिप्लॉयड अवस्था है इसको हम लोग टू एन डिप्लॉयड अवस्था निरूपित करते हैं। ठीक है, तो अब परिभाषा में जाने कि होमोजेगस डिप्लॉयड अवस्था में दोनों अलील, जैसे अभी बताया एक्स एक्स और एक्स वाई, दोनों अलील एक जैसे हो, एक्स एक्स या फिर और जैसे मान लीजिए टी टी या छोटा टी छोटा टी, दोनों अलील एक जैसे हो तो वह होमोजेगस कहलाता है। वह क्या कहलाता है, होमोजेगस कहलाता है। इसे प्योर भी कर सकते हैं, ये प्योर भी कहलाता है, होमोजाइगस को हम लोग प्योर भी कहते हैं। जैसे बड़ा टी बड़ा टी छोटा टी छोटा टी, ये होमोजाइगस का एग्जांपल है जिसमें दोनों अलील क्या हैं, समान हैं। और इसी का जस्ट उल्टा हेट्रोजाइगस होता है। हेट्रोजाइगस में क्या होता है, विषम युग्मी, उसको हिंदी में कहा जाता है विषम युग्मी। इसमें क्या होता है, टू एन, जैसे कभी बताया आप लोग को 2n
यानी डिप्लॉइड अवस्था में दोनों अलील एक जैसे नहीं हो, वह हेट्रोजाइगस कहलाता है, हेट्रोजाइगस। और इसी को हम लोग हाइब्रिड कहते हैं, जैसे बड़ा टी छोटा टी, जैसा कि हम देख लेते होमोजाइगस में क्या था, बड़ा टी था और इसमें बड़ा टी छोटा टी, इसी का जस्ट अलग होता है जिसमें एक बड़ा और एक छोटा, ये दोनों अलील अलग अलग हैं इसलिए इसे हेट्रोजाइगस कहा गया, बड़ा और छोटा, इसलिए इसे हेट्रोजाइगस कहा गया। इसी प्रकार जैसे हम लोग होमोजाइगस पढ़े वैसा ही हेट्रोजाइगस, बस दोनों में अंतर क्या है कि इसमें दोनों अलील समान होंगे और इसमें दोनों अलील अलग अलग होंगे। अब अलील क्या है, दोनों में अलील हम लोग पढ़े तो अलील 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 क्या है, तो अलील के बारे में जानेंगे। अलील का हिंदी होता है अलील, या इसे एलोमॉर्फ कहा जाता है। जीवों में स्थित अलील, जीवों में स्थित प्लांट एनिमल्स, जीवों में स्थित जीन्स की वैकल्पिक प्रकार को अलील कहा जाता है। जीवों में स्थित जीन के वैकल्पिक प्रकार को अलील कहा जाता है, जैसे लंबा तथा नाटा, लाल तथा सफेद, इसमें कोई जीव है उसमें लक्षण प्रकट कर रहा है लंबा का, या लक्षण प्रकट कर रहा है नटा का, या लक्षण प्रकट कर रहा है लाल का, या लक्षण प्रकट कर रहा है, तो ये जो लक्षण प्रकट कर रहा है वो प्रकट करने वाले लक्षण ही क्या कहलाते हैं, अलील कहलाते हैं। जीवों में स्थित जीन्स के वैकल्पिक प्रकार को अलील कहलाते हैं, जो नए लक्षण को दिखाता है। जैसे मान लीजिए ये टी है, तो ये लक्षण कैसा प्रकट करेगा, लाल को प्रकट करेगा, ये लक्षण लाल को प्रकट करेगा। इसी प्रकार आर है, ये सफेद को प्रकट करेगा, तो ये क्या कहलाएंगे, अलील कहलाएंगे। आगे हम लोग आप पढ़ेंगे।